अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह आपको, मेरे को, हम तमाम लोगों को अच्छा रखे। हम सब के जायज़ तमन्नाएं अल्लाह ताला पूरी करे। जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उनको रोज़गार से लगा दे, जो रोज़गार से अल्लाह ताला उनके रोज़गार में खैर व बरकत दे, जो लड़के लड़कियाँ बुरे रास्ते पर चल रहे हैं अल्लाह ताला उनको नेक तौफीक दे। अल्लाह हम सबको हिदायत वाली ज़िंदगी दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे, अचानक का खैर अता फरमाए, आने वाले शर से हम सब की हिफाजत फरमाएं। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ टमाटे की खड़ी दाल, जो ये समर स्पेशल है और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी आंटी टमाटे की खड़ी दाल बताइए बोल के। ऑयल ली हूँ मैं 30 ml, 30 ml ऑयल है, 1 पीस रफ कटी हुई अनियन, बारीक भी काट सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, और मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ मैं, 4-5 पत्ते हरी पत्ते, 1 हरी मिर्ची तोड़ के डाल दी मैं, हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि ये टमाटे वाली दाल है तो इसकी प्याज थोड़ी कच्ची कच्ची रहती है। अब फ्लेम करके इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज टमाटर रेड वाला, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए, डाल दूंगी। और टमाटे गोल स्लाइस काटना है, जल्दी गल जाए। 1/4 टीस्पून हरा धनिया डालूंगा, या बारीक कटना डालना है, थोड़ा रफ रफ डालना है। अब इसमें पानी नहीं डालना है, फ्लेम कम करूंगी इसको, 10 मिनट रख देंगे, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। टमाटे गल गए, सुरखी दाल है 50 ग्राम, इसको भिगा दी थी मैं 1/2 आवर, पानी निकाल के आप लोगों को बता दी। टमाटे के साथ दाल थोड़ी देर में गलती, अगर आप नहीं भिगाएंगे तो भिगाए तो जल्दी गल जाती, नाश्ते में बनाएंगे तो टाइम बहुत जल्दी जाता ना सुबह के टाइम। और कौन कौन लाइक कर रहे नहीं, और नए लोग जुड़ रहे तो सब्सक्राइब करिए। और इस पे कवर नहीं करूँगी मैं, कवर करने से पानी की स्टीम बन के दाल एकदम बेसन टाइप हो जाती, नरम होती। खड़ी दाल नरम है तो मज़ा नहीं रहता। खड़ी दाल का मतलब क्या है, खड़ी खड़ी रहना, उसको खड़ी दाल बोलते। ये दाल का जो पानी रहता ना, भिगी हुई है ना दाल, तो इसको थोड़ा भून लेना तो सौंधापना आता दाल में। और रोटी के साथ अगर आप खाने में भी नमक डालते हैं रोटी में, तो दाल में थोड़ा कम डालना, नहीं तो दाल खारी दिखती। 1 कप पानी ली मैं, जब ऐसी आवाज़ आते रहेंगी ना ये नीचे लगने आ रही, इस टाइम पानी डालना। पहले थोड़ा डालूंगी मैं, हिला के देखना अपन के ये टाइट है या लूज है, और थोड़ा लगेंगे बस। ये 1/2 कप डालूंगी, अब नहीं डालूंगी पानी, कवर नहीं करूंगी, ऐसे ही छोड़ डालूंगी। 5 मिनट में हो जाती, फ्लेम फुल है। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून से भी कम हरा धनिया डाल दी मैं रफ, हल्के हाथों से हिलाना, दाल फूटे नहीं जाना, और लकड़ी का चमचा या यूज नहीं करना, स्टील का सिल्वर का आप लोगों की मर्जी है। ये बनके तैयार है, थोड़ा ढीली ढीली रख रही हूँ मैं, क्योंकि चावल के साथ खाना है, रोटी से नहीं खाना है। अब ये गैस बंद कर देंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी हो गई। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।